सभी को सुभाष्याम। पाठ का नाम बरसते बादल, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी है। बरसते बादल का अर्थ कुरसेटुवंटि मेघालु, वर्षिंचेटटुवंटि मेघालु। कवि के बारे में जानेंगे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म 30 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। सुमित्रानंदन पंत को बेजोड़ कवि कहते हैं क्योंकि सुमित्रानंदन पंत कई रचनाएं प्रकृति के संबंधित रचनाएं लिखे हैं, इसलिए सुमित्रानंदन पंत को बेजोड़ कवि कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? 20 मई 1900 में कहाँ हुआ? अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। 7 की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे। सुमित्रानंदन पंत काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत गए थे 7 में ही। और साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूत और चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदंबरा कवि के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सोवियत रूस पुरस्कार मिला, साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं क्या क्या है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। चिदंबरा कवि के लिए किसका अवार्ड मिला? कौन सा अवार्ड मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इनका निधन सन 1977 में हुआ। इनका निधन कब हुआ? 1977 में हुआ। और इनका जन्म कब हुआ? सन 1920 मई में जन्म हुआ। कवि परिचय पूरा होने के बाद विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा ऋतु सबकी प्रिय ऋतु है क्योंकि वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता कैसी होती है? बहुत सुंदर लगती है, सुंदरता देखने लायक होती है, इसलिए सभी लोग वर्षा ऋतु को पसंद करते हैं, प्रकृति को पसंद करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य यहाँ वर्षा के समय बहुत आनंदित होते हैं, धरती भी खुशी से झूम उठती है। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है सुमित्रानंदन पंत जी ने। किसने इस प्रकृति का, इसी सौंदर्य का वर्णन किया गया है? सुमित्रानंदन पंत जी ने इसी प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब मैं कविता पढ़ूंगी, अब ध्यान दीजिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे मेघन के, थम थम दिन में तम में सपने जगते मन के। पहले हम अर्थ समझेंगे। झम 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 का अर्थ तेज वर्षा से आने वाली ध्वनि, मेघ का अर्थ बादल, सावन मास का अर्थ श्रावण मास, छम 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 यह भी एक ध्वनि है, बूंदे पानी की बिंदु, वर्षा की बिंदु, तरु तरु का अर्थ पेड़, छम 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 भी एक ध्वनि है, उर उर का अर्थ हृदय, घन का अर्थ मेघ, थम 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 का अर्थ उजाला, दिन दिन का अर्थ डे टाइम, तम का अर्थ अंधेरा, सपना सपना का अर्थ स्वप्न, मन मन का अर्थ हृदय। इसका भावार्थ समझेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, सावन मास में मेघ तेज वर्षा से आने वाली ध्वनि से मेघ बरसते हैं। कैसे बरसते हैं मेघ? झम 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 बरसते हैं सावन मास में मेघ, इसी तरह ध्वनि करते हुए बरसते हैं। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, वर्षा के समय पानी की बूंदे, वर्षा की बूंदे तरुओं पर तरुओं को छूकर धरती पर गिरने पर उसकी ध्वनि छम 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 होती है। तरुओं की शाखाओं पर और तरुओं के पत्तों से पानी पृथ्वी पर गिरती है, उसी तरह गिरने पर ध्वनि कैसी होती है? छम 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 होती है। छम छम बिजली चमक रही रे उर्मेघन के, बिजली आकाश के हृदय में चमकती है। कैसे चमकती है बिजली वर्षा के समय?
चम चम चमकती है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, हमारे मन में वर्षा के समय कई स्वप्न आते हैं, नए नए स्वप्न आते हैं। तम तम उजाला उजाला के समय तम छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। तम का अर्थ अंधेरा, अंधेरा छा जाने पर इस अंधेरा में हमारे मन में कई स्वप्न आ जाते हैं। सुमित्रानंद पंत कहता है, क्या कहता है, सावन मास में वर्षा आते हैं, मेघ बरसते हैं। कैसे बरसते हैं? झमझम झमझम मेघ बरसते हैं। मेघ बरसने पर उसकी बिंदुओं बिंदुओं उसकी बिंदुओं पेड़ के पत्तों को छूने पर, वह पृथ्वी पर गिरने पर छम 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 ध्वनि आती है, और आकाश के हृदय में बिजली भी चमकती है, और अंधेरा होती है ना आकाश में, अंधेरा में हमको नए सपने आते हैं। दूसरा देखिए, दादू टर्टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आद सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ कर गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। पहले अर्थ देखेंगे, दादुर, दादुर का अर्थ मेंढक, मेंढक दादुर का अर्थ मेंढक। टर 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 भी एक ध्वनि है, मेंढक करने वाले एक ध्वनि टर टर। झिल्ली, झिल्ली का अर्थ झींगुर, झनझन का अर्थ झंकार। म्याऊ म्याऊ वह भी एक ध्वनि है। मोर, मोर का अर्थ मयूर, मयूर करने वाला ध्वनि म्याऊ म्याऊ वर्षा के समय। पीऊ पीऊ वह भी एक ध्वनि है। चातक, चातक का अर्थ पपी है। सोन बालक, सोन बालक का अर्थ एक जल पक्षी। आद सुख कुछ विचार और कुछ संतोष। क्रंदन, क्रंदन का अर्थ दुख रोना। घुमड़ घुमड़ वह भी एक आवाज है। मेघ का अर्थ बादल, गगन का अर्थ आकाश। गर्जन, गर्जन का अर्थ भीषण शोर, भीषण शब्द भयंकर ध्वनि को गर्जन कहते हैं। अभी भावार्थ देखेंगे, दादुर टटर करते, दादुर वर्षा के समय कैसे ध्वनि करते हैं, टटर करते हैं। झिल्ली बजती झनझन, झिल्ली का अर्थ झिंगुर, झिंगुर कैसे ध्वनि करते हैं, झनझन करते हैं, झंकार करते हैं वर्षा के समय। म्याऊ म्याऊ रे मोर, मोर, मोर का अर्थ मयूर, मयूर म्याऊ म्याऊ से म्याऊ म्याऊ करते हुए आपके आनंद को प्रकट करते हैं, नाच करते हैं। मोर बहुत आनंदित होकर वर्षा के समय नाचते हैं। पीऊ पीऊ चातक के गण, चातक के गण, वो चातक के गण वर्षा के समय पीऊ पीऊ ध्वनि करते हैं। यह चातक पक्षी को भी एक विशेषता है, चातक पक्षी बहुत छोटा सा पक्षी है। यह पक्षी किसी नदी या जलाशय का पानी नहीं पीता है, वर्षा के समय वर्षा की बिंदुओं को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। उड़ते सोन बालक, सोन बालक का एक जल पक्षी, जल पक्षी उड़ते समय आद सुख से क्रंदन करता है। आद सुख से कुछ विचार से कुछ आनंद से अपने दुख को प्रकट करते हैं, अपने आनंद को अपने संतोष को भी प्रकट करते हैं वर्षा के समय, सावन मास में वर्षा के समय। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, मेघ आकाश में गर्जन करते हैं। कैसे गर्जन करते हैं? घुमड़ घुमड़ कर गर्जन करते हैं, आवाज तेज आवाज से मेघ गर्जन करते हैं। कैसे गर्जन करते हैं? मेघ तेज आवाज से गर्जन करते हैं। दूसरा, तीसरा, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावल थर। रिमझिम रिमझिम वह भी एक ध्वनि है, वर्षा के समय बूंदों के स्वर है, बूंदे का पानी की बिंदु। रोम, रोम कहते हमारे शरीर पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना उसे कहते हैं रोम। सिहर, सिहर कहते कांपना, छूते हैं, छूना मीन्स लगना। भीतर अंदर, अंतर का तो हृदय। धाराओं पर धाराएं, धाराओं पर पानी बह, पानी धाराओं पर धाराएं, पानी बहती है ना, धारा धाराओं पर धाराएं, पानी का पानी धाराओं पर धाराएं। झरती, झरती का अर्थ बहना, पानी से उत्पन्न होने वाला जो धारा को धाराएं कहते हैं।
झरती, झरती का अर्थ बहना, धरती, धरती का अर्थ पृथ्वी, रज, रज का अर्थ धूली, रज का अर्थ धूली, कण कण छोटे छोटे कण कण में, हर एक कण में, त्रुन 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 कोमल घासू को त्रुन त्रुन कहते हैं, पुलकावली पुलकित होना। अभी भावार देखेंगे, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, बूंदों के स्वर रिमझिम रिमझिम कहते हैं, मानव जाति से क्या कुछ कहते हैं, मानव से मानव जाति से कहने के लिए चाहते हैं, रिमझिम रिमझिम ध्वनि करते हैं बूंदों के स्वर, रोम शिहर उठते छूते वे भीतर अंदर, रोम वर्षा के समय हमारा मन बहुत आनंदित होते हैं, पुलकित होते हैं, तभी हमारा बाल उठते हैं, रोम शिहर उठते हैं, हमारे शरीर कांपते हैं, वर्षा के समय हमारे शरीर में बहुत आनंदित होता है, हमारा मन भी बहुत खुश होती है, धाराओं पर धाराएं वर्षा के समय पानी धाराओं पर धाराएं धाराओं की तरह बहती है, कहाँ बहती है, धरती पर बहती है, हमारे घर के सामने भी गलियों में धाराओं पर धाराएं इसी तरह पानी झरती है, रज के कण कण में रज धूली और मिट्टी, मिट्टी के हर एक कण में कोमल घासू अंकुरित होते हैं, कोमल घासू फूटते हैं, फूटने पर पृथ्वी पुलकित होती है, पृथ्वी क्या कैसे होती है, पुलकित होती है, रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर, रज के मिट्टी के हर एक कण में कोमल घासु आने पर पृथ्वी भी पुलकित होती है, बहुत आनंदित होती है। अंत में पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आवो रे सब मुझे घेर कर गावो सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। पकड़वारी पकड़ पकड़ना, वारी पानी, धार धारा झूलना झूलना, क्रैडल क्रैडल पर हम झूलते हैं ना, मन का अर्थ हृदय, सब सभी मुझे घेर कर मुझे लिपट कर, सावन सावन श्रावण मास, और फिर का अर्थ अगेन टू अगेन अगेन अगेन, सावन श्रावण मास मन भावन मन को भाने वाला। अभी भावार्थ देखेंगे, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वारी की धार पानी की धारा को पकड़कर कवि सुमित्रानंदन पंत का मन झूलता है, कवि सुमित्रानंदन पंत का मन क्या क्या चाहता है, पकड़वारी की धारा को पकड़कर झूलना चाहता है, वर्षा के समय श्रावण मास में वर्षा आता है ना, वर्षा के समय कवि का मन इसी तरह चाहता है, आओ रे सब मुझे घेर कर गावो सावन, कवि कहता है क्या कहता है, सभी मुझे घेर कर सावन के गाना गावो, सभी आइए सावन मास में वर्षा आते हैं, सभी आइए आकर मुझे घेर कर सावन का गाना गावो, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले, इंद्रधनुष रेनबो कहते हैं ना अंग्रेज में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं ना, बहुत सुंदर लगती है इंद्रधनुष, वर्षा के समय आती है, इंद्रधनुष आने पर सभी लोगों को वर्षा आने के लिए सूचना मिलता है ना, इंद्रधनुष के झूले में हम सब मिलकर झूलना चाहिए, हम सब मिलकर झूलेंगे, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर इसी तरह सावन मास हमारे मन को भाने के लिए, हमारा मन भावन सावन मास फिर आना चाहिए हमारे जीवन में, फिर इसी तरह सावन मास आने के लिए कवि कहता है। और एक बार देखेंगे, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के, छम छम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के,
थम थम दिन के तम्मे सपने जगते मन के। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति सौंदर्य को इसी प्रकार कहता है, इसी प्रकार वर्णन किया है। मेघ कैसे झूमते हैं, कैसे बरसते हैं, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं। पानी कैसे बिंदु बिंदुओं के बिंदु कैसे गिरते हैं, झमझम झमझम पानी वर्षा के पानी गिरते हैं, वर्षा की बिंदु पृथ्वी पर गिरते हैं। बिजली कैसे चमकती है, बिजली चमचम चमकती है। हमारे सपने मन में सपने आते हैं ना, सपने अगर उजाले के दिन को भी पूरा अंधेरा छा जाता है आकाश में, इसलिए हमारे मन में नए नए सपने आते हैं। दादुर कैसे ध्वनि करते हैं, दादुर ठर ठर ध्वनि करते हैं। झिल्ली कैसे ध्वनि करते हैं, झिल्ली झनझन ध्वनि करते हैं, झिल्ली झिंगुर झंकार करते हैं। मोर मोर कैसे ध्वनि करते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ करते हुए उसी तरह ध्वनि दिखाते हुए मोर नाचते हैं। चातक के गण पियूं पियूं करते हुए अपने सभी सहेलियों अपने सभी पक्षियों अपने सभी पक्षियों को आह्वान करते हुए पियूं पियूं ध्वनि करता है। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से करक्रंदन, सोन बालक पक्षी भी आर्द सुख से उड़ते समय आर्द सुख से करक्रंदन करता है, क्रंदन करता है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, मेघ आकाश में घुमड़ घुमड़ कर वर्षा के समय श्रावण मास में घुमड़ घुमड़ कर मेघ गर्जन करते हैं। बहुत भीषण शोर से मेघ घुमड़ घुमड़ कर आकाश में गर्जन करते हैं। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिम झिम मेघों से आने वाले शब्द में वर्षा से बूंदों के स्वर, वर्षा के आने वाले बूंदों के स्वर है, कैसी होती है। मानव जाति से कुछ बातें करना चाहते हैं, रिम झिम कहता है बूंदों के स्वर। रोम शिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम भी वर्षा के समय हमारे शरीर पुलकित होते हैं, कांपते हैं, कांपते हैं। हमारे शरीर कैसे होते हैं, कांपते हैं, हमारा शरीर भी बहुत आनंदित होती है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, पृथ्वी पर वर्षा के पानी पानी धरती पर बहती है, गलियों में नदियों की तरह बहती है। रज के कण कण में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर, हरेक कण में वर्षा के समय अंकुर फूटते हैं, वह उस अंकुर से पृथ्वी भी पुलकित होती है। कण कण में हरेक कण में हरेक मिट्टी के कण में त्रुन त्रुन होती है, तभी पृथ्वी बहुत आनंदित होती है, पृथ्वी पुलकित होती है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, कवि कहता है वारी की धारा को पकड़कर झूलना चाहता है, वारी की धारा को पकड़कर, वारी का अर्थ पानी, पानी की धारा को पकड़कर झूलना चाहता है कवि। आवो रे सब मुझे घेर कर गावो सावन, कवि कहता है सावन मास में वर्षा के समय सभी लोग आइए मुझे घेर कर, मुझे लिपट कर सावन के गाना गावो। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष में इंद्रधनुष के झूले में हम सभी मिलकर झूलेंगे। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर जीवन में सावन मास फिर जीवन में आने के लिए सुमित्रानंदन पंत आना चाहता है। कौन सा मास आना चाहता है, सावन मास आना चाहता है। क्यों माना सावन मास, सावन मास में वर्षा ऋतु आती है ना, वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी है। वर्षा ऋतु में वर्षा आने पर प्रकृति इसी तरह होता है, मेघ बरसते हैं, उसकी बिंदु छम छम गिरती है, बिजली चमकती है, सपने हमारे मन में जागते हैं, झिल्ली बसती है, दादुर टर टर करते हैं, मोर ध्वनि करते हैं। कैसे ध्वनि करते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ, पीऊ पीऊ चातक ध्वनि करते हैं। सोन बालक भी उड़ते समय बहुत आनंदित होती है, और मेघ भी घुमड़ घुमड़ कर गर्जन करते हैं,
रिमझिम रिमझिम बूंदों के स्वर होता है, हमारे शरीर में रोम भी सिहर उठते हैं, आनंद से सिहर उठते हैं, धाराओं पर धाराएं हैं, हमारे गलियों में पानी नदियों की तरह बहती है। इसी तरह कवि कहता है, पकड़वारी की धारा को पकड़कर झूलना चाहता है कवि का मन, सभी लोग आइए मुझे घेर कर सावन का गाना गाइए, इंद्रधनुष को झूले में भी झूलेंगे। इसी तरह फिर आना चाहता है सावन मास, मन को भाता है ना, मन भावन मास क्या है, सावन मास। सावन मास को सभी लोग पसंद करते हैं, सभी को सावन मास पसंद है क्योंकि प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, वर्षा ऋतु भी सभी को बहुत सुंदर लगती है, इसलिए सभी लोग प्रकृति को पसंद करते हैं ना, वर्षा ऋतु को बहुत पसंद करते हैं ना। इसी समय हमको फिर आने के लिए कवि कहता है, वर्षा ऋतु फिर आना चाहिए हमारा मन में। ओके, नेक्स्ट भाषा की बात। इस पाठ की व्याकरण अंश को हम देखेंगे, व्याकरण अंश पर ध्यान दीजिए। इस पाठ के व्याकरण अंश है ना भाषा की बात पर ध्यान दीजिए। भाषा की बात की ओर आगे बढ़ेंगे। बरसते बादल पाठ में आज व्याकरण संबंधी विषय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बरसते बादल पाठ में आज व्याकरण की संबंधी विषय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वे है पर्यायवाची शब्द, वाक्य प्रयोग और समास और पद परिचय और शब्द संक्षेप। इसके बारे में हम अभी जानेंगे। पहले पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से बनी है। पर्यायवाची शब्द किन शब्दों से बनी है? दो शब्दों से बनी है। एक शब्द पर्याय, दूसरा शब्द वाची। पर्याय का अर्थ समान, वाची का अर्थ बोलने वाले। पर्याय का शब्द समान, वाची का अर्थ बोलने वाले, इसलिए दोनों शब्दों को मिलकर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाचक शब्द का और एक नाम समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द और पर्यायवाचक शब्द दोनों का अर्थ समान है, समानार्थ देने वाला शब्द भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी देखिए, पानी को पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? पानी को जल, नीर, वारी आदि। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? नीर, जल, वारी आदि। पानी के नाम अलग है, अगर अर्थ एक है। देखिए आप, पानी के नाम अलग अलग है, नीर, जल, वारी, इसी तरह नाम है, लेकिन पानी के अलग नाम होने पर भी अर्थ एक है। इसी तरह नाम अलग रहने पर भी समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं? नाम अलग रहने पर भी समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ में आ गई है? ओके, चलिए बरसते बादल पाठ इन शब्दों से पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। किन किन शब्दों को पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं आप जानेंगे। पर्यायवाची शब्द और समानार्थ शब्द, तरु दिए हैं ना यहाँ, तरु, गगन, घन। तरु का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तरु के पर्यायवाची शब्द पेड़, पादप, वृक्ष। क्या क्या है? पेड़, पादप, वृक्ष। तरु का पर्यायवाची शब्द, पेड़ का नाम देखिए आप, पेड़, पादप, वृक्ष अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। तरु का अर्थ वृक्ष। बाद में गगन का पर्याय शब्द देखिए आप, आकाश, नभ, अंबर, आसमान। गगन का पर्याय शब्द क्या क्या होते हैं? आकाश, नभ, अंबर, आसमान। नेक्स्ट घन देखिए,
घन का पर्यायवाची शब्द मेघ, बादल, जलद, पयोधर। घन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? मेघ, बादल, जलद, पयोधर। अभी इसको वाक्य प्रयोग देखिए आप। वाक्य का अर्थ सार्थक शब्दों से प्रयोग होने वाले प्रयोग करें उसे वाक्य कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? पर्याय का अर्थ समान, वाचिक अर्थ बोलने वाले, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का और एक अर्थ समान वाक्य, समान समानार्थक शब्द भी कहते हैं। उसको वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं ना। वाक्य का अर्थ क्या है? वाक्य का अर्थ सार्थक शब्दों से प्रयोग करे उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों से वाक्य का अर्थ सार्थक शब्द होना चाहिए। वाक्य में सार्थक शब्दों से प्रयोग करे, सार्थक शब्दों के प्रयोग करे उसे वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं ध्यान दीजिए आप। तरु, तरु है ना, तरु, तरु का अर्थ पेड़, पादप, वृक्ष। तरु से एक वाक्य प्रयोग दीजिए आप। हमारी पाठशाला में कई तरु है। हमारी पाठशाला में क्या है? कई तरु है। इसमें तरु शब्द है वाक्य में? हाँ है। ओके, नेक्स्ट गगन, गगन, गगन से एक वाक्य प्रयोग कीजिए। गगन, गगन में तारे चमकते हैं। गगन में क्या चमकते हैं? तारे चमकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए आप। घन, घन का अर्थ मेघ, बादल, जलद, पयोधर, ये सभी है ना। घन, घन का अर्थ मेघ, बादल, जलद, पयोधर। मेघ से एक वाक्य प्रयोग कीजिए। मेघ, मेघ वर्षा के समय बरसते हैं। मेघ आकाश में इधर उधर फिरते हैं। इसी कई तरह हम वाक्य प्रयोग करते हैं। बाद में तत्सम रूप देखिए आप। तत्सम रूप देखिए, सावन, सपना, सूरज, ये सभी तद्भव शब्द है। इसको तत्सम रूप लिखने के लिए कहा है। सावन, सावन का तत्सम रूप क्या होता है? सावन का तत्सम रूप श्रावण। सावन का तत्सम रूप क्या है? श्रावण। तत्सम रूप और तद्भव रूप, तत्सम रूप संस्कृत से उसी तरह प्रयोग होते हैं। तद्भव रूप में संस्कृत रूप से होने वाले शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम रूप और तद्भव रूप। तत्सम रूप शब्द हम लिखना चाहिए। सावन, सावन तद्भव शब्द है। इसको संस्कृत शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होता है? सावन का तत्सम शब्द श्रावण। नेक्स्ट सपना, सपना तद्भव शब्द है। सपना का संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द क्या होता है? स्वप्न। क्या होता है? स्वप्न। सूरज, सूरज भी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। नेक्स्ट देखिए आप, गण, वारी, चंद्र। इसको तद्भव रूप लिखने के लिए कहा है। पहले तत्सम रूप लिखने के लिए कहा, बाद में तद्भव रूप लिखने के लिए कहा। पहले तद्भव देकर तत्सम रूप लिखना, बाद में तद्भव रूप लिखना है। तत्सम दिया है यहाँ। गण, गण का अर्थ समूह। हम यहाँ आना है ना, आना के वहाँ आना के स्थान पर ना लिख सकते हैं। गण, गण तत्सम रूप है, गण तद्भव रूप है। वारी, वारी की तद्भव रूप पानी। और बारी, चंद्र, चंद्र, चंद्र का तद्भव रूप चांद। चंद्र का तद्भव रूप क्या होता है? चांद होता है। बाद में चमचम, त्रुण त्रुण, फिर फिर दिया है। बाद में क्या क्या दिया है? चमचम, त्रुण त्रुण, फिर फिर, ये क्या है? पुनरुक्ति शब्द है। ये क्या है? पुनरुक्ति शब्द है। पुनरुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? पुनरुक्ति शब्द का अर्थ बार बार आने वाले शब्द। पुनरुक्ति, पुनः पुनः, पुनरुक्ति शब्द का अर्थ बार बार आने वाले शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। एक वाक्य में हम पाठ में देखिए आप, छम छम, झन झन, छम छम देखिए आप, थम थम, टर टर, म्यो म्यो, इसी तरह शब्द आए हैं ना। रिम झिम,
इस शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। यहाँ दिया है चमचम त्रुन त्रुन फिर फिर। चमचम का हम वाक्य प्रयोग करना चाहे, चमचम शब्द से वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं? चमचम आकाश में बादल चमचम ध्वनि करते, आकाश में तारे चमचम चमकते हैं, आकाश में तारे चमचम चमकते हैं। त्रुन त्रुन, त्रुन त्रुन का अर्थ क्या है? छोटे छोटे घास होते हैं ना, त्रुन त्रुन का अर्थ क्या है? छोटे छोटे घास होते हैं ना। हमारे यहाँ देखिए आप, त्रुन त्रुन यहाँ पाठ में रज के कण कण में त्रुन त्रुन, त्रुन त्रुन का अर्थ कोमल घास, कोमल घास। त्रुन 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 बहुत सुंदर लगते हैं, कोमल घास देखने के लिए बहुत सुंदर लगते हैं। और एक वाक्य बताइए, त्रुन त्रुन से पृथ्वी पुलकित होती है, त्रुन त्रुन से पृथ्वी बहुत आनंदित होती है। इसी तरह वाक्य बताना चाहते हैं। फिर का अर्थ मल्ली मल्ली, यदा चप्तन कर अगेन अगेन। फिर सावन मास हमारे जीवन में फिर आना चाहिए, सावन मास हमारे जीवन में फिर आना चाहिए। इसी तरह हम पुनरुक्ति शब्दों से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बाद में पद परिचय देखिए आप सभी लोग। बादल बरसते हैं। बादल एक शब्द है, बादल संज्ञा शब्द है। बादल कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। बादल पद परिचय दीजिए, बादल को दिया है ना, यहाँ पद परिचय दीजिए। पद परिचय का अर्थ, पद माने क्या है? सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य के रूप में लाया जाता है वह पद कहलाता है। पद परिचय का अर्थ, पद माने क्या है? सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जिन शब्द वाक्य के रूप में लाया जाता है वह पद कहलाता है। वह शब्द को क्या कहलाता है? पद कहलाता है। सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य के रूप में लाया जाता है, वाक्य के रूप में लाया जाता है, वह शब्द को पद कहलाता है। उसी तरह हम बादल शब्द को पद परिचय देते हैं। अब हमें वाक्य में पूछे गए हैं ना, बादल बरसते हैं। अब देखिए, बादल साधारण रूप से संज्ञा कहते हैं। बादल संज्ञा शब्द है, बादल संज्ञा शब्द है। बरसते हैं, बरसना क्रिया शब्द है, बरसना क्रिया शब्द है। बरसते हैं यहाँ दिया है ना, बादल बरसते हैं, बरसते एक क्रिया शब्द है। वचन और लिंग की पहचान के लिए क्रिया के अंत पर ध्यान देना है। यहाँ बरसते हैं देखिए आप, वचन और लिंग के पहचान के लिए, वचन और लिंग एक कौन सा वचन है, एक कौन सा लिंग है, हम पहचानने के लिए किस पर हम ध्यान देना? क्रिया के अंत पर ध्यान देना है, क्रिया के अंत पर ध्यान देना है। क्रिया के अंत में ता रहता है तो पुंलिंग एकवचन, क्रिया के अंत में ते रहता है तो पुंलिंग बहुवचन, क्रिया के अंत में ती रहता है तो स्त्रीलिंग एकवचन, क्रिया के अंत में ती रहता है तो अनुस्वार रहता है तो वह स्त्रीलिंग बहुवचन। एकवचन के अंत में ता होता है, अंत में ता होता है तो क्रिया में एकवचन, ते होता है तो बहुवचन, ते होता है अनुस्वार होता है पर, और ती होता है तो स्त्रीलिंग एकवचन, ती होकर अनुस्वार होने पर वहाँ वह बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन होता है। बाद में समास पहचाने दिया है ना, समास दो शब्दों से बना है, समास दो शब्दों से बना है। सम प्लस आस समास कहते हैं, सम प्लस आस को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास दो शब्दों से बना है। संक्षिप्त माने छोटा, सम का अर्थ संक्षिप्त, सम का अर्थ क्या है? संक्षिप्त, संक्षिप्त माने क्या है? छोटा,
छोटा आस का अर्थ होता है कथन, आस का अर्थ होता है कथन। समास संक्षिप्त रूप में कथन होना समास है। सम का अर्थ संक्षिप्त है, आस का अर्थ कथन है। संक्षिप्त माने छोटा చిన్నదన్నమాట ఏదైనా చిన్నగా మనం ఏదైనా పెద్ద వాక్యాన్ని పెద్ద పదాన్ని చిన్నగా సంక్షిప్త రూపంలో రాయడమే समास। इसका अर्थ समास का अर्थ देखिए आप। समास का अर्थ दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक एक नए संक्षिप्त शब्द बनाने की पद्धति को समास कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाने की पद्धति, एक नया संक्षिप्त शब्द बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। कितने शब्दों से बनता है समास? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम समास को तैयार कर सकते हैं। समास संक्षिप्त शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं। उस बनाने की पद्धति को समास कहते हैं। पाठ के संबंधित समास हम सीखेंगे। यहाँ दिया है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। हम समास विग्रह वाक्य लिखने पर कैसे लिखते हैं? पेड़ और पौधे। यहाँ पेड़ पौधे के बीच में एक योजक चिन्ह है ना, इन शब्दों पर। पेड़ पौधे के बीच में एक योजक चिन्ह है, पेड़ पौधे के बीच में योजक चिन्ह है। हम लिखते समय योजक चिन्ह को हटाकर विग्रह वाक्य लिखते समय कैसे लिखते हैं? योजक चिन्ह को हटाकर पेड़ और पौधे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे। और एक दिया है पशु पक्षी, पशु पक्षी। इसको भी यहाँ योजक चिन्ह है, पशु पक्षी के बीच में हम स्थित योजक चिन्ह को हटाकर विग्रह वाक्य लिखते समय पशु और पक्षी लिख सकते हैं। विग्रह वाक्य में कैसे लिखते हैं? पशु और पक्षी लिखते हैं। इसकी समास का नाम क्या है? पेड़ पौधे द्वंद्व समास, पशु पक्षी भी द्वंद्व समास। और एक समास बताइए आप। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। इसी तरह हम समास को, कई समास को हम सीख सकते हैं। बाद में देखिए आप। मन को भाने वाला एक शब्द में लिखिए। यहाँ दिया है मन को भाने वाला, मन को भाने वाला, मन भाने वाला। इसे हम भावना कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भावना। भाने वाला को हम भावना कह सकते हैं। यहाँ कौन सा कारक चिन्ह है? को कारक चिन्ह है। को कारक चिन्ह को हटाकर हम भावना शब्द, भावना शब्द हम जोड़ना चाहिए। भावना शब्द, यहाँ कारक चिन्ह को हटाकर भावना शब्द मन शब्द से जोड़ना है। भावना शब्द किन से जोड़ना है? मन शब्द से जोड़ना है। तो अब शब्द संक्षेप होता है, वह को हटाना चाहिए। यहाँ को कारक चिन्ह है ना, मन को, मन को भाने वाला को हम हटाकर मन भावन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मन भावन लिख सकते हैं। ये एक शब्द में लिखना है ना यह वाक्य, मन भावन, मन को भाने वाला को हम हटाकर लिख सकते हैं। यह कारक चिन्ह को हटाना, हम कारक चिन्ह को हटाकर लिखना। बाद में क्या है? मनमोहक, मनमोहक, मन को मोहक करने वाला, मन को मोहक करने वाले। यहाँ भी को हम हटाकर मनमोहन लिख सकते हैं। मन मोहने वाला, मन मोहने वाला को कारक चिन्ह हटाना चाहिए। को कारक चिन्ह हटाकर हम मन मोहक लिख सकते हैं। बाद में क्या है? अंत में देखिए आप। यहाँ अलंकार दीजिए, अलंकार दिया है ना, अलंकार समझेंगे आप। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। यहाँ पाठ में दिया है ना, यहाँ पहले दो पंक्तियाँ, छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके।
यहाँ देखिए आप अलंकार दिया है इसमें। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? आभूषण। किसी बात को साधारण ढंग से ना कहकर चमत्कार व सौंदर्य पूर्ण ढंग से कहना ही अलंकार है। अलंकार का अर्थ क्या है? किसी बात को साधारण ढंग से ना कहकर, किसी बात को, किसी विषय को हम साधारण ढंग से ना कहकर चमत्कार व सौंदर्यपूर्ण ढंग से कहना है। सौंदर्यपूर्ण ढंग से कहना ही अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? किसी विषय को हम साधारण ढंग से ना होकर, साधारण ढंग से ना कहकर चमत्कार व सौंदर्यपूर्ण ढंग से कहना ही अलंकार है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस कविता में झम 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 मेघ बरसते हैं, कविता है ना, इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है, सुंदर प्रयोग हुआ है। इस जब वाक्य में कोई अक्षर या शब्द बार बार प्रयोग होता है तो वहाँ वाक्य का ध्वन्यात्मक सौंदर्य बढ़ जाता है। जब वाक्य में कोई अक्षर या शब्द, कोई अक्षर या शब्द वाक्य में बार बार फिर प्रयोग होता है तो वहाँ वाक्य का ध्वन्यात्मक सौंदर्य बढ़ जाता है। ध्वन्यात्मक सौंदर्य आप देखिए, आप झम 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 ध्वन्यात्मक ध्वनि वहाँ होता है ना। एक ही शब्द को चार बार हम यहाँ कहेंगे, झम 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 झम, छम छम छम, चम चम, थम थम। देखिए आप, इसी तरह एक शब्द बार बार प्रयोग होता है तो वहाँ वाक्य का ध्वन्यात्मक बढ़ जाता है और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। इस प्रकार का काव्य सौंदर्य अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इस प्रकार का काव्य सौंदर्य को अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब को समझ में आया?